अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल्ड वॉइस में थारो खैर मकदम है। हूँ थारो मेज़बान मोहम्मद रफीक चौधरी। आज की खबर ले गया थारी खिदमत में हाजिर है। तो चलो एक नज़र आज की खबर पर। इसराइल हमास जंग जो हमास मिलिटेंट ग्रुप का हमला तो बाद 7 अक्टूबर ना शुरू हो वो जारी है। ऐसा लगा कि वो जारी रहेगा क्योंकि इसराइली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने बार बार मुख्तलिफ ममालिक की कॉल के बावजूद इस जंग ना खत्म करने तो इनकार की हुई है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर इमरान खान की अपील ना वापस किया है, जड़ी तोशाखाना केस की सजा का फैसला का खिलाफ की गई थी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने सवार वाला दिन राजौरी पुंछ सेक्टर की सिक्योरिटी सूरत हाल को जायजा लेने का वास्ता दौरा किया, जबकि इस एक ब्रिगेडियर ना स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वास्ता अटैच किया गया है। सोर्सेज ने दसाया कि यह इंक्वायरी डेरा की गली हमला तो बाद आर्मी की कस्टडी में हुआ लागता द हमला में 4 जवानों की मौत फेर की जा रही है। भारत में नवा कानून के वास्ते पार्लियामेंट में पास हुए बिल ना प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई हुई है। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 द भारतीय न्याय संहिता ने इंडियन पेनल कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले ली हुई है। कांग्रेस सदर खड़गे जम्मू कश्मीर का लीडर्स के नाल जल्दी एक मीटिंग करेगा जिसमें चुनाव की तैयारी का वास्ते गलबात होगी। साबिक वजीर आजम ने हिंदुस्तान में इंसानियत का जमहूरियत न मजबूत बनायो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। एलजी ने मजीद किया है कि आमना एक खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर का वास्ते अटल बिहारी वाजपेयी का नजरिया न तरजीह देनी चाहिए। खिचीपुरा अनंतनाग में अखरोट का दरख्तों की बेतहाशा कटाई। खिचीपुरा गिराम में अखरोट का दरख्त कपण में मुलाविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इंतजामिया। मुल्क में कोविड-19 का केसेस में मुसलसल इजाफो, गुज़श्ता 24 घंटा में मजीद 628 केस सामने आया, एक की मौत। गरीब नौजवान औरत किसान मोदी सरकार की तरजीह, गरीबों की खिदमत उनकी बेहतरी का वास्ता मारी सरकार पुर आज़म वजीर आजम नरेंद्र मोदी। मुल्की ता गैर मुल्की सयाहाना रागिब करण का वास्ता पहलगाम में विंटर फेस्टिवल का डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने इफ्तिताह कियो। जनूबी जिला अनंतनाग में लोकाना तोखो देन दा लूटन का इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस। आज सुबह 4:33 पर लेह लद्दाख में 4.5 मैग्नीट्यूड गोल जलजलो आयो। वादी कश्मीर में चिल्लाई कलान की सख्त सर्दी बरकरार, पहलगाम सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। वादी कश्मीर में 5 से 31 दिसंबर तोड़िया खुश्क मौसम के दरमियान धुन छाई रहेगी। मनफी दर्जा हरारत का नाल झील डाल नगीन झील वुलर झील को पानी जम गयो भी है। नाजरीन ये थी आज तैड़ी की खबर। तम रखो अपनो ख्याल, कल इस वेला फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तोड़िया दे इजाजत, खुदा हाफिज़।